खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। उत्तर भारत के राज्यों में प्री मॉनसून हलचल आज से कम हो जाएगी, लेकिन ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के राज्यों में कुछ स्थानों पर बारिश वाला मौसम आज भी बना रहेगा। इस समय ईस्ट इंडिया पर कॉन्फ्लुएंस जोन बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है और नॉर्थ वेस्टर्ली ड्राई विंड से मिलकर यहां के मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते रांची, जमशेदपुर, धनबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर और कोरिया सहित झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और नॉर्थ छत्तीसगढ़ के शहरों में यानी इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, सोनभद्र, गया, नवादा और जबलपुर सहित ईस्ट एमपी, ईस्ट यूपी और बिहार के कुछ इलाकों में गरज के साथ एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत के कई शहरों में बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी और लाइटनिंग स्ट्राइक की भी आशंका रहेगी। तेज हवाएं भी कहीं कहीं पर चल सकती हैं। प्री मॉनसून सीजन में ईस्ट इंडिया के राज्यों में जिस तरह का मौसम देखने को मिलता है उसकी शुरुआत अब हो चुकी है और अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक ओडिशा और झारखंड सहित कुछ इलाकों में वायलेंट थंडरस्टॉर्म देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों, गुजरात और महाराष्ट्र में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तेज गर्मी की आशंका फिलहाल आज नहीं है। नॉर्थ इंडिया का जिक्र करें तो यहां उत्तराखंड के कुछ शहरों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं क्योंकि WD अब आगे बढ़ गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और तराई वाले जिलों में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना दोपहर तक रहेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थ राजस्थान सहित सभी हिस्सों में मौसम शुष्क हो जाएगा। बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। दिल्ली सहित इन सभी शहरों में आज ठंडी हवाएं चलेंगी जिससे पारा गिरेगा और मौसम कुछ और ठंडा हो जाएगा। स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही।